हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है फूड का, डिनर का मतलब। और आपको लग रहा होगा फूड के वीडियो आए जा रहे हैं, स्टे किधर गया। तो स्टे भी एक दो दिन में बनाती हूँ एक्चुअली। जो पहले हाँ कर देते ना, मैं पहले वही वीडियो बना देती हूँ। कई बार आप पूछ के थक जाते हो तो हाँ नहीं होती, तो जिधर से पहले हाँ हो जाती है मैं उधर का वीडियो बना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है बेनोलिम से। बेनोलिम बीच रोड पर आपको ये पड़ेगा पवेलियन रेस्टोरेंट बार। तो ये आपको पड़ेगा, जैसे भी आप बेनोलिम रोड पे आते हो आपको पड़ेगा राइट पे। एग्जैक्ट लिंक मैं लोकेशन के लिए दे दूंगी गूगल मैप का आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके आ सकते हो। बाकी इधर के कॉन्टैक्ट नंबर्स, बाकी जितने भी जिधर जिधर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किधर किधर ये हैं, जैसे सपोज डिलीवरी कराते हैं नहीं कराते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं पूछ के एक बार बताती हूँ आपको। और ये लोग ना ऐसा पार्टीज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, ये मेरे को पता चला है कि जैसे बर्थडे पार्टीज़ हो गई, ये सो ये सारा भी कराते हैं। तो पहले मैं अंदर चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको एक बार कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। उसके बाद फूड क्या खाना है वो भी मैं दिखाऊँगी आपको, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना मुझे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं अंदर। और ये बेनोलिम बीच रोड है, उधर से इधर तक आगे जाके इस तरफ बीच है। और यहाँ पे ये है द पवेलियन फैमिली रेस्टोरेंट बार। और यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर, आपको दिखाती हूँ कि कैसा है अंदर से, क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। अच्छा, अगर सबसे पहले मैं ना पार्किंग की बात कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर है तो सबसे पहले पार्किंग की बात करती हूँ। पार्किंग, अगर आप कार लेके आ रहे हो, इतनी सारी पार्किंग है। उधर हमारी कार खड़ी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी कार पार्क हो सकती है। और इस तरफ स्कूटर की पार्किंग भी है, तो मतलब पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं अंदर। अंदर जैसे आप एंटर करते हो तो इस तरफ इन्होंने ऐसा सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और टेम्परेचर चेक करने के लिए भी मशीन रखी हुई है, तो वो सारा चेक करके आपको अंदर बुलाएंगे। इस तरफ इन्होंने ना एक छोटा सा किंडर गार्डन दिया है बच्चों के लिए, जैसे बच्चों का बर्थडे पार्टी वगैरह होती है, बच्चे आते हैं आपके साथ तो वो इधर एंजॉय कर सकते हैं। ये झूले लगे हुए हैं इस तरफ ये, और ये सारे टेबल्स हैं अंदर की साइड ये, और कुछ टेबल्स इन्होंने बाहर लगाए हुए हैं ये सारे। और पीछे की तरफ, इधर से आप पीछे जाते हो तो इनके पास वॉशरूम है, मेल फीमेल दोनों सेपरेट है, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्योंकि मैं अभी देख के आई तभी मैंने बताया आपको। और पीछे की तरफ पड़ता है इनका इस तरफ ये बार एरिया, और इस तरफ आपको पड़ेगा इनका किचन। तो चलते हैं, मैं दिखाती हूँ, बार भी दिखाती हूँ, सारी चीज़ें दिखाती हूँ आपको अंदर चल के। गोवा का स्पेशल ही टेस्ट नहीं कर रहा हमने अभी तक। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है, जैसे आपको बताया था, चिकन कैफ्रियल। और इसका जो प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है ना, वो होता है मिंट और कोरिएंडर। हाँ, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ऐसा मुझे स्मेल भी अभी आ रही है। और बाकी टेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ। बाकी नॉर्मल इंडियन स्पाइसेस इसमें डलते हैं, प्रोमिनेंट बस कोरिएंडर और मिंट रहता है। और ये अच्छे से फ्राई भी कर रहे हैं, मुझे स्मेल आ रही है। अच्छा, टेस्ट करते हो पहले।
और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 300 पड़ेगा। ये क्वांटिटी मैंने थोड़ी मंगाई है बिकॉज मेरे को अभी भूख नहीं थी ज़्यादा, तो पूरी क्वांटिटी इससे थोड़ी ज़्यादा आएगी और 300 पर प्लेट पड़ेगा ये आपको। इधर मैं भी टेस्ट कर ही लेती हूँ। चिकन एकदम अच्छे से वो कर रहा है, मतलब ऐसे बिल्कुल भी टाइट नहीं लग रहा है और फीका है थोड़ा, फीका और वो चड़ल, वो हरी चटनी का टेस्ट आ रहा है। हाँ, हरी मिर्च मतलब फीका भी है, थोड़ा स्पाइसी है और जैसे जो हरी चटनी होती है ना ऐसा लग रहा है उसको पका दिया वैसा कुछ टेस्ट आ रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा है। मैंने भी खा के ट्राई किया अभी, एकदम तीखा और वैसे मस्त लग रहा है, मतलब खाने में एकदम बढ़िया। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको ना प्रॉपर अपना साउथ बोल रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया वाला खाना मिलता है। दिन में हम खा के गए थे यहाँ पे दाल मखनी और रोटियाँ, तो बहुत अच्छा था वो भी। और दाल मखनी का जो रेट था वो 220 था, रोटी का रेट था 30 रुपीज़ पर रोटी। तो रोटी इधर जहाँ भी आप जाओगे महंगी मिलेगी, थोड़ी सी मिलेगी। हाँ, क्योंकि इधर रोटियाँ चलती हैं। हाँ, तो हमने वो ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा लगा था। और इधर ना आपको तिब्बतियन खाना भी मिलेगा, जैसा जो ट्रेडिशनल तिब्बतियन खाना होता है ना। हाँ, लद्दाख के साइड, उस साइड का वो भी मिलेगा आपको। थुप्पा, जैसे हाँ थुप्पा मिलेगा, मोमोज वगैरह तो चलो कॉमन ही हो गए। और एक कुछ और स्पेशल डिश थी वो मैंने दिन में देखी थी, अभी दोबारा चेक करके बताती हूँ। और इटालियन भी सारा कुछ मिलेगा। हाँ, इनके पास पिज्ज़ा वगैरह सारा कुछ, पिज्जा पास्ता ये सब। और ये ना तिब्बतन खाने में इधर आपको वेज थेंटू और चिकन थेंटू भी मिलेगा। ये स्पेशल तिब्बतन खाना होता है, ये मैं उठा के लाई हूँ, मेरे को याद नहीं रह रहा था, ऐसे पढ़ के बता रही हूँ आपको। और थाली भी इनके इधर मिलती है, थाली अभी ना मेन्यू में प्रिंट नहीं है तो वो प्रिंट करानी अभी बाकी है। थाली भी आपको मिलती है, स्पेशल वेज थाली भी मिलती है और गोवन थाली भी इधर मिलती है। लंच ना काफ़ी लेट किया था तो डिनर में ज़्यादा कुछ हम खा नहीं पाए, तो सिर्फ चिकन कैफ्रियल खाया है। और हाँ, टेस्ट ना ऑसम था, मतलब ऐसा लगा ना कि हम बेकार में चिकन 65 खाते हैं, हमें यही खाना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा वो हरी चटनी वाला टेस्ट ना मस्त चटाकेदार, एकदम अक्षु की लैंग्वेज में बोले तो ऐसा तीखा वाला वो। और बाकी और उसमें अगर आपको कुछ ज़्यादा ही मिर्च लग जाए साइड में जो फ्लावर से डेकोरेट करके दिए हैं वो खा लो मिर्च कम करने के लिए। हाँ, नहीं इतनी भी नहीं लगती, मतलब हाँ, ये बच्चा इसको लगती है, मेरे को नहीं लगती इतनी। नहीं लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही लग जाए, आपने बहुत ज़्यादा ही खा लिया मान लो। हाँ, और बाकी पड़ता किधर है वो गूगल मैप का लिंक आपको मिल जाएगा, मैनुअली भी मैं एड्रेस दे दूँगी, इधर का नंबर भी दे दूँगी। और इधर आप ना कॉल करके भी ऑर्डर करा सकते हो, एडवांस दे दो पेमेंट, कॉल करके ऑर्डर करा दो और पिकअप कर लो या मतलब आके इधर से ले जाओ। हाँ, ऐसा रहता है। और बाकी हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा, तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। और इधर आ रहे हो बेनोलिम पे तो एक बार इधर आना भी ज़रूर, सो देट आप भी क्रॉस वेरीफाई कर दो मेरी बात को कि लाइक हाँ अच्छा था। चिकन, हाँ, था। हाँ, चिकन कैफ्रियल ज़रूर 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 ट्राई करना। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।